बात करते हैं आपके दिमाग की, दिमाग को कैसे करें तेज। दिमाग को तेज करने के लिए अणैम नमः इस मंत्र की रोज एक माला का जाप करें। या इजी रास्ता बताती हूँ, एक ब्लू पेपर ले लें, उस पर ग्रीन कलर के स्केच पेन से 108 बार सुंदर हैंडराइटिंग में अणैम नमः लिखें, नॉर्थ ईस्ट में चिपका दें। कुछ समय बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपकी मेमोरी, आपका दिमाग इतना तेज हो रहा है, आपकी सोचने की कैपेबिलिटी कई गुना स्ट्रांग हो जाएगी। एक खास क्रिस्टल की बात, मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए आप कौन सा क्रिस्टल यूज कर फायदा पा सकते हैं, चलिए जानते हैं। इन क्रिस्टल्स को यूज करने से पहले कुछ देर इन्हें हाथ में पकड़िए, स्पेशली लेफ्ट हैंड में, देखिए आप कैसा फील करते हैं। पहला क्रिस्टल है उदासी, दुख को दूर करने के लिए एमेथिस्ट, स्मोकी क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इसको हाथ में रखते हैं, जेब में रखते हैं, तो आपकी उदासी दूर होती है। इसके अलावा पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो एम्बर फैंटम क्वार्ट्ज को आप यूज़ करें, अपने बिस्तर के नीचे पिलो के अंदर डालकर रखकर सो जाएं। इन क्रिस्टल्स के बारे में जानने से आपको फ़ायदा मिलता है। इन क्रिस्टल्स में से किसी भी एक क्रिस्टल को हाथ में पकड़ें या आज्ञा चक्र पर कुछ देर के लिए रखें, मेडिटेट करें, आपको पता चलेगा कि ये कैसे चीज़ें चेंज करते हैं। बैक पेन के लिए आप मैग्नेटाइट, जिसको लोडस्टोन भी बोलते हैं, या हेमेटाइट या लपीस लसोई, इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल बैक में जहाँ दर्द हो रही है उस जगह पर कुछ देर के लिए रखें और तब तक आँख बंद करें। धीरे धीरे सांस को लें और सांस को छोड़ें। ऐसा करने पर आपको कुछ ही दिनों में रेगुलर प्रैक्टिस से दर्द आपका गायब हो जाएगा। नर्वसनेस और टेंशन के लिए आप क्या करें? नर्वस हैं बहुत ज़्यादा, टेंशन में फील कर रहे हैं, तो रिलैक्स करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एमोजनाइट को, एबलॉन शेल को, एमेथिस्ट को, ग्रीन मॉस को, एगेट में किसी भी क्रिस्टल की मदद ले सकते हैं। इसको हाथ में पकड़िए, आप पॉजिटिव फील करेंगे।